हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक सा फ्लावर पॉट का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। और ये डिज़ाइन जो है, ये बनाने के लिए हमें एक मिट्टी के पॉट की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी दिवाली गई है, तो आप लोगों के पास ये मिट्टी का पॉट ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो आप प्लास्टिक का पॉट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चल जाएगा, लेकिन शेप थोड़ा ऐसा होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करने के बाद नीचे बेल बटन आता है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाने के लिए और क्या क्या चाहिए होगा। तो हमें इसको बनाने के लिए दो तरह का माइक्रन चाहिए, टू कलर्स का। उसके लिए मैंने एक पिंक कलर लिया है और एक ब्लैक कलर लिया है। इसके लिए हमें किसी भी बीड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक 5 इंच का रिंग लगने वाला है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, और लाइटर और सीजर लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का कॉर्ड ले लिया है और इसमें हम सारी कॉर्ड्स हमारी अटैच करेंगे। पिंक और ब्लैक दोनों हमें डाली हैं। तो देखिए, हमने इसमें पिंक कलर की कॉर्ड और ब्लैक कलर की कॉर्ड्स को डाल दिया है। पिंक कलर की जो कॉर्ड है वो है 28 यानी कि 28, और ब्लैक कलर की जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड हमने सारी कॉर्ड्स अटैच करने के लिया है, उसको अगर हम पकड़ेंगे तो ब्लैक कलर की कॉर्ड्स 14 है, यानी कि टोटल हमें 14 यानी कि 14 चाहिए। और ये कॉर्ड जो मैंने लिया है सारी कॉर्ड्स को अटैच करने के लिए, उसे भी मैंने पकड़ा है, क्योंकि हमें ये जब हम पॉट को लगाएंगे तो ये भी हमें डिज़ाइन बनाने के लिए काम आने वाला है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने कॉर्ड्स कितनी डाली है, कितने मीटर लंबी है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे इस पे हम एक नॉट लगा लेंगे अपने हाथों से, सिंपल वाला नॉट लगा लेंगे और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। और अब हमारा ये यहाँ पे अटैच हो चुका है, तो हम इन सारे कॉर्ड्स में एक एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए मैंने सारी स्क्वायर नॉट्स लगा ली है, लेकिन जो कॉर्ड हमने यहाँ पे अटैच किया है वहाँ पे मैंने स्क्वायर नॉट नहीं लगाया है, क्योंकि ये हम बाद में लगाने वाले हैं। जब हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तो हो सकता है ये थोड़ा ढीला हो जाए खींचने की वजह से, इसलिए ये हमें थोड़ा बाद में लगाना है, अभी नहीं लगाना है। या तो फिर आप सारी स्क्वायर नॉट्स लगा के फिर इसे बांधिए और फिर आप यहाँ पे स्क्वायर नॉट्स लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम तीसरा राउंड करने वाले हैं स्क्वायर नॉट्स का। और जब हम यहाँ पे नॉट्स लगाएंगे तो याद रखिए मैंने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको लगाना है। पिंक कलर की जो नॉट्स है वो है दो दो नॉट्स है एक के नीचे एक, और जो नॉट दोनों कॉर्ड का मिलकर एक नॉट आता है वो सिर्फ एक है, और ब्लैक कलर की जो नॉट है वो है दो, आप पास से देख लीजिए। कुछ इस तरह से हमें नॉट्स को लगाना है, आप देख सकते हैं पिंक कलर का जो तीसरा राउंड है वो जब मैंने शुरू किया तो उसके पास मैंने कोई नॉट नहीं लगाया है, ऊपर सिर्फ एक नॉट है, और ब्लैक कलर का मैंने दो नॉट्स लगा लिए हैं। अब हम इन ब्लैक कलर की कॉर्ड्स को लेके इन पिंक कलर की कॉर्ड्स में डाल देंगे।
ऐसे हम दोनों साइड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड में इसको कंप्लीट कर लिया है ब्लैक कलर की कॉर्ड्स को डाल के। अब हमें यहाँ पे पत्ती का डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए सबसे पहले मैं राइट में जो कॉर्ड्स है उनमें से एक कॉर्ड ले लूँगी अपने लेफ्ट में, और उसमें ये सारी चारों कॉर्ड्स हम डाल देंगे। अब हम लेफ्ट से एक कॉर्ड ले लेंगे पहला वाला, और उसमें हम ये तीनों कॉर्ड्स डाल देंगे। और ऐसे ही हमें इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। जब हम सारा कंप्लीट कर लेंगे, सारे ब्लैक कलर की कॉर्ड्स को हम पिंक कलर की कॉर्ड्स में डाल देंगे, तो ये पिंक कलर की जो कॉर्ड है वो दोनों साइड की चार चार सेंटर में आ जाती है, और इन्हीं को लेके हमें पत्ती बनानी होती है। जो पत्ती हमने पहले बनाई है वो एक तरीका है, और दूसरा तरीका मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो पत्ती बनाने का। शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने पहली पत्ती के लिए बनाई थी। तो देखते हैं अब हम इसको अलग कैसे बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने एक लाइन बनाई है, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे ये पत्ती थोड़ी बड़ी दिखती है, और उसकी वजह ये है कि इसकी जो एक लाइन बनी है तो हम दो लाइनें बनाने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो ये थोड़ी बड़ी दिखती है। उसके लिए हमें पहला कॉर्ड नहीं लेना है, पहले सेकंड कॉर्ड लेना है और फिर फर्स्ट कॉर्ड लेना है, तो ये पत्ती थोड़ी बड़ी और अच्छी दिखती है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे, और फिर से हम ये जो पिंक कलर की हमारी कॉर्ड्स है उसमें ये ब्लैक कलर की कॉर्ड्स सारी डाल देंगे।
तो देखिए अब हम यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू करेंगे ये पत्ती बनाने का। तो देखिए मैंने सारी पत्तियाँ बना के इसको कंप्लीट कर लिया है इस डिज़ाइन को। ये बहुत सुंदर दिखता है फ्रेंड्स और बहुत भरा हुआ दिखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने अंदर मिट्टी का पॉट रखा है या प्लास्टिक का। सारा डिज़ाइन काफ़ी भरा हुआ दिखता है और क्योंकि पॉट छोटा है तो यहाँ पे इतनी ही पत्तियाँ बनेंगी। अब हमें इसको एंड करना है तो उसके लिए मैंने ये बना लिया है थोड़ा सा, और इसके सेंटर की कॉर्ड्स में मैंने स्क्वायर नॉट लगा लिया है और हमें इसका पूरा राउंड बना लेना है ऐसे ही। तो देखिए मैंने इस डिज़ाइन का ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसमें एक 5 इंच का रिंग लगा लेंगे। ये देखिए, ये शुरुआत में मैंने आपको बताया था लेकिन दिखाया नहीं था क्योंकि मैं श्योर नहीं थी कि इसमें हमें 5 इंच का लगने वाला है या 4 इंचेस का। 4 इंचेस का बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है इसलिए मैंने 5 इंचेस का रिंग लिया है। इसमें हम ऐसे ही सारी कॉर्ड्स को अटैच कर देंगे।
तो देखिए रिंग अटैच हो चुका है और नीचे हमें स्क्वायर नॉट्स लगा के और डिज़ाइन बनाना है। मैं चार चार स्क्वायर नॉट्स इसमें लगा लूँगी। और ऐसे ही हमें पूरा राउंड बना लेना है। तो देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और इस राउंड को जोड़ने के लिए हम एक एक स्क्वायर नॉट और लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है। एक एक स्क्वायर नॉट लगा के हमने इसको जोड़ लिया है बहुत अच्छे से। अब हम हमारा मेन डिज़ाइन शुरू करेंगे जो नीचे मैट की तरह दिखता है। ये सिर्फ फ्लावर पॉट नहीं है, ये फ्लावर पॉट विथ टेबल मैट है। देखिए ये दो कॉर्ड्स लेके हम इसमें सिंपल वाले नॉट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ये डिज़ाइन मैंने अपने आकाश कंदील के डिज़ाइन में भी दिखाया था फ्रेंड्स कि ये नॉट्स कैसे लगाना है। ये देखिए राइट से लिया और इसमें लॉक कर दिया। अब लेफ्ट से लेंगे और फिर से इसको लॉक कर देंगे और ये डिज़ाइन ऐसे ही बनेगा। मैं 5 नॉट्स इसमें एक तरफ से हम गिनेंगे तो 5 नॉट्स आएंगी, यानी कि हमें टोटल इसमें 10 बार इस नॉट को लगाना है। तो दोनों तरफ से 5-5 बार ये नॉट दिखेगा। Thank you.
तो देखिए मैंने इसे इतना बना लिया है, तो मैं आपको आगे का दिखा देती हूँ। अब ऊपर जो हमने स्क्वायर नॉट लगाया है, उन दो धागों में हमने जो ये डिज़ाइन बनाया है उन्हें फिर से हम नीचे जोड़ देंगे स्क्वायर नॉट लगा के। याद रखिए ऊपर स्क्वायर नॉट है, उन्हीं में मैं नीचे स्क्वायर नॉट लगा रही हूँ। सारी की सारी नहीं जोड़नी है एक साथ। ऐसे ही हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे, नीचे बढ़ाते जाएंगे और स्क्वायर नॉट्स लगा के इसे जोड़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हम नॉट्स लगा लेंगे और फिर नीचे इसको जोड़ने के लिए एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। तो देखिए आप जितना लंबा बनाना चाहे उतना इसे बना सकते हैं। फिर से यहाँ पे स्क्वायर नॉट लगा लेंगे तो ये पत्ती का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमें इसको गोल गोल बनाते जाना है। और याद रखिए मैंने नॉट्स कहाँ कहाँ लगाई है मैंने ठीक से बताया है, दिखाया है, वैसे ही बनाइए। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा और बढ़ा लिया है, थोड़ा और ज़्यादा बना लिया है। आप इसे जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। देखते वक्त आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको नॉट्स लगाना है और कहाँ पे नहीं। और जो जो मैं बता रही हूँ वो अगर आप फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये देखिए मैंने कहाँ कहाँ नॉट्स लगाई है। जोड़ते वक्त आपको ध्यान देना है कि मैंने स्क्वायर नॉट्स कहाँ लगाई है। ऊपर जहाँ पे मैंने स्क्वायर नॉट लगाया है वही नीचे मैंने लगाया है और फिर इसको जोड़ा है। ऐसे ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे काफ़ी लंबा बना लिया है, काफ़ी बढ़ा लिया है, सारा राउंड कंप्लीट कर लिया है।
हाफ राउंड इसका मैंने थोड़ा आधा हुआ है मेरा, और बाकी का मैंने थोड़ा बना लिया है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि जब ये बढ़ते जाता है तो ये कैसे दिखता है। ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये देखिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये जो नॉट्स है इनमें हम सॉरी कॉर्ड्स है इनमें हम ये वाला नॉट लगा के इसको जोड़ते जाएंगे। अब ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए अब ये हो गया, अब फिर से इसमें एक स्क्वायर नॉट लगा लेंगे इसको जोड़ने के लिए। यहाँ पे भी ऐसे ही डिजाइन बनेगा और स्क्वायर नॉट लगने के बाद ये ऐसे दिखेगा, तो ऐसे ही हम इसे बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी मैंने इसको बढ़ा लिया है, जितनी पत्तियाँ मुझे बढ़ानी थी उतनी मैंने बढ़ा ली है। मैंने बाहर जो पत्ती बनाई है उसमें मैंने 8-8 नॉट्स लगाई है, पहले हमने 5-5, 6-6 ऐसी नॉट्स लगाई थी और यहाँ पे मैंने 8-8 नॉट्स लगा ली है, तो ये ज़्यादा लंबा दिख रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो इसको बाद में आप बेल लगा सकते हैं, आप सिर्फ मोती लगा सकते हैं, आप पॉम-पॉम बना सकते हैं, इनको कट करके हमें पीछे की तरफ चिपका देना है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, आप चाहे वो इसमें लगा सकते हैं इसके पॉइंट पे। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें लाइटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ कि लाइटिंग आपको कहाँ पे लगाना है अगर आपको इसे और इन्हांस करना है। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है या किसी फंक्शन की पार्टी है शाम को है, तो शाम के वक्त लाइटिंग इसमें लगाइए ज़रूर, ये बहुत सुंदर दिखता है। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि आपको ये लाइटिंग लगाने से ये कितना खूबसूरत दिखता है, और ये लाइटिंग आपके घर में ज़रूर होगी। अभी अभी दिवाली गई है और दिवाली पे हम सब इस लाइटिंग को यूज़ करते हैं, इसमें 50 लाइट है। तो पहले इसे फिनिश कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है, ये जो कॉर्ड्स है इनको कट कर लिया है और पीछे की तरफ स्टिक कर दिया है, मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। और ये मैंने पॉम-पॉम्स बनाए हैं, मैंने सोचा है कि लटकन या बीड्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ पॉम-पॉम्स लगाने हैं, तो ब्लैक के पास अगर हम ब्लैक का लगाते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं दिखेगा, और इसको अगर हम कॉम्बिनेशन करके लगाते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। यानी कि पिंक के पास हम ब्लैक वाला पॉम-पॉम लगाएंगे और ब्लैक के पास पिंक वाला। ये देखिए इस कॉर्ड को इतना छोटा कट करना है और पीछे की तरफ लाइटर की मदद से स्टिक कर देना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर पॉट कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें कुछ मिरर्स अटैच कर दिए हैं। आप पॉम्पम्स देखिए मैंने कैसे लगाए हैं। फ्रेंड्स, ये इसका ऊपर का व्यू है, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें हम फ्लावर्स भी लगा के देखेंगे और लाइटिंग भी लगा के मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें लाइटिंग लगा के आपको दिखाया है, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। फ्लावर्स भी दिख रहे हैं और जो बनाया है हमने टेबल मैट के जैसा, इसको जो बनाया है वो भी दिख रहा है। आपके घर में अगर शाम के टाइम पे कोई बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन है तो आप इसे इस तरीके से कॉर्नर में सजा सकते हैं या फिर सेंटर टेबल पे भी इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। ये देखिए, ये जो मटका है नीचे जो जहाँ पे हमने रिंग लगाया है, मैंने सारी लाइटिंग सिर्फ वहाँ पे रैप कर दी है। और ये देखिए दूसरा तरीका लाइटिंग लगाने का, मैंने बस इसको फैला दिया है कॉर्नर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और अगर इस फ्लावर पॉट को बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। चलिए, बाय।